सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, जिसके भी सरकारी जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी आज, एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता है, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी, आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं, एक बड़ा हॉल बनाया आपने दिल्ली में, 27,000 करोड़ उसमें आप खर्च रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपको आपके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं है। आप कहते हैं कि किसानों के पास उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, तो जनता का विश्वास कैसे होगा आप में?